अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर पर्सनल कंसल्टेंट में। लेटेस्ट न्यूज है, सीबीएसई क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का पेपर लीक के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भैया कहां से गिरफ्तार किया गया है? हिमाचल प्रदेश से, जहां सीबीएसई हिमेश रेशमिया का गाना बजाया पड़ी थी कि हिदयाली एनसीआर हरियाणा में पेपर लीक हुआ है, इसका इम्पैक्ट यहीं में पड़ा हुआ है। लेकिन झारखंड में भी इम्पैक्ट पड़ा था, वहां से भी गिरफ्तारी की गई। अब जाके जो केस का खुलासा सॉल्व किया गया है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक के मामले में, ये हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तारी की गई है। तीनों लोगों को, ये फोटो आप देख रहे हैं, तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिनका अहम रोल पाया गया, जिन्होंने लीक किया है क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के पेपर, हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तारी करके लाए हैं इनको। आइए जो न्यूज पब्लिश हुई है इस देखते हैं। ये न्यूज एनडीटीवी इंडिया में पब्लिश हुई है, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसे हुआ था सीबीएसई क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर लीक, तीन गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में डीएवी पब्लिक स्कूल के कॉमर्स टीचर और परीक्षा सेंटर के सुपरिटेंडेंट राकेश ने ही आउट किया था पेपर, ये खुलासा हो गया है। क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट जो किया तो पाया कि इन तीनों का अहम रोल है, जो हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तारी इनकी की गई है। खुलासा में पाया गया है कि सीबीएसई पेपर लीक मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने 12वीं के इकोनॉमिक्स के हैंड रिटन पेपर लीक मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के एक स्कूल के तीन कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों राकेश, अमित शर्मा और अशोक कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से गिरफ्तार किया है। राकेश वहां डीएवी पब्लिक स्कूल में कॉमर्स का टीचर है, अमित शर्मा क्लर्क है और अशोक कुमार चपरासी है। आरोप है कि राकेश ने अपने यहाँ ट्यूशन लेने वाले एक छात्र की मदद के लिए अमित और अशोक के साथ 12वीं के पेपर को लीक किया, हालांकि इस काम के लिए उसने कोई पैसा नहीं लिया। अब ये तो जस्टिफाई हजम ही नहीं हो रहा है, हाजमोला भी खाएंगे तो भी हजम नहीं होगा कि इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा भैया, इसमें भी कोई भलाई के लिए काम करता है? पेपर लीक के लिए भी भलाई का काम होता है? आगे देखते हैं। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपीआरपी उपाध्याय ने बताया, राकेश ने पेपर अपने ही एक छात्र से लिखवाया, वह छात्र उसके यहाँ ही ट्यूशन पढ़ता था। पुलिस के मुताबिक राकेश पर एग्जाम कराने के लिए सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की भी जिम्मेदारी थी, मतलब कि ये सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की भी रोल निभा रहे थे, इसलिए जिस बैंक में पेपर रखे थे उसके पास उसका एक्सेस था। मतलब ये एक्सेस था, जो पासवर्ड वगैरह जो भी वहां था पेपर निकालने के लिए बैंक से, सब कुछ इनके हाथ में था, पावर ऑफ अथॉरिटी इनके हाथ में थी। ठीक है, पुलिस के अनुसार राकेश 23 मार्च को जब कंप्यूटर साइंस का पेपर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लेने गया तो कंप्यूटर साइंस के साथ एक बंडल इकोनॉमिक्स का पेपर भी निकाल लाया। बहुत खूब, बाहर आकर उसने इकोनॉमिक्स का पेपर अमित और अशोक को दिया, वह एग्जाम सेंटर चला गया। अमित ने पेपर की फोटो लेकर व्हाट्सएप के जरिए राकेश को भेजी। राकेश ने फिर उसी पेपर की एक कॉपी अपने उसी छात्र से लिखवाई जो उसके यहाँ ट्यूशन पढ़ता था। फिर ये कॉपी उस छात्र के अलावा राकेश ने चंडीगढ़ में अपने एक और रिश्तेदार को दी। पुलिस के मुताबिक उसने बाद पेपर की कॉपी 40 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में फैल गई। इसका फायदा कई छात्रों को मिला, यह पेपर 26 को था। तो अब आप सारा मामला आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर जो हैंड रिटन वायरल हुआ था व्हाट्सएप पे, जो पेपर लीक हुआ था, मैटर था क्या। तो ये तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इनकी फोटो आप देख सकते हैं और इस न्यूज की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कमेंट सेक्शन में कोई थॉट है तो कमेंट जरूर कीजिए, रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।